कार्ल हॉसोफर एक और भूगोलवेत्ता जो कि जर्मनी से संबंध रखते हैं, इनका जन्म हुआ था 1869 में, 1946, ठीक है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के एक साल बाद भाई साहब की डेथ हो गई थी, ये स्वर्ग से हार गए थे। तो कार्ल हॉसोफर 1869 में पैदा हुए, 1946 में इनकी मृत्यु हो गई। पहला पॉइंट, ही वॉज अ जियो पॉलिटिकल जोग्राफर इन नाजी एज। आप समझ रहे हो ना, 1946 में इनकी डेथ हुई है, दैट मीन्स इन्होंने वर्ल्ड वॉर का समय देखा है, पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर इनकी आंखों के सामने हुआ है, यानी कि उस समय जर्मनी में नाजीवाद फैला हुआ था, हिटलर की तानाशाही चल रही थी, ठीक है, इसीलिए उसको नाजी एज बोला जा रहा है, नाजी भी बोलते हैं। तो उस समय पर ये एक जियो पॉलिटिकल जोग्राफर थे, ठीक। ही वॉज अ ऑफिसर इन जर्मन आर्मी, जो जर्मनी की आर्मी थी या हिटलर की जो आर्मी थी, नाजी आर्मी थी, उसमें ये ऑफिसर रैंक पर काम कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने एक विचारधारा की शुरुआत की जिसको कहते हैं जियोपॉलिटिक, ठीक। क्या ये इनका जियोपॉलिटिक इन्होंने नाम दिया है, ये इनका ओरिजिनल नाम है? नहीं। कहाँ से आए ये नाम, देखते हैं। जियोपॉलिटिक वर्ड जो है वो इन्फ्लुएंस है एक टर्म से, जो कि ऐसे है, जियो अलग है, बीच में डैश है, देन पॉलिटिक, तो ये जो टर्म है जियो डैश पॉलिटिक, इससे इन्फ्लुएंस्ड है। और ये जो वर्ड है जियो डैश पॉलिटिक, ये दिया था जेलेन ने, जो कि एक स्वीडिश ज्योग्राफर थे, ठीक है। अब देखो इसको भी, पॉइंट को ध्यान से समझो, एक स्वीडिश ज्योग्राफर थे जिनका नाम था जेलेन, जिन्होंने जियो डैश पॉलिटिक यानी कि जियो पॉलिटिक नाम का एक टर्म दिया था। उस टर्म से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने एक विचारधारा शुरू की, किसने, हॉसोफर ने, जिसका नाम दिया इन्होंने जियो पॉलिटिक विचारधारा या जियो पॉलिटिक थॉट। समझ में आ गया आपको? तो कार्ल हॉसोफर जो है ये हमारे नाजी एज के थे, ठीक है, और इन्होंने एक थॉट शुरू किया था जिसको कहते हैं जियोपॉलिटिक। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपके नेट के लिए, जियोपॉलिटिक टर्म सबसे पहले किसने दिया, जियोपॉलिटिक थॉट सबसे पहले किसने दिया, तो आप लिखोगे कार्ल हॉसोफर। जियोपॉलिटिक टर्म सबसे पहले किसने दिया, तो आप लिखोगे जेलेन। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। थॉट्स ऑन जियोपॉलिटिक ही एक्सप्लेन्ड इन हिज बुक जिसका नाम था जिट शिफ्ट फॉर जियोपॉलिटिक। इनकी जो बुक है ये जिट शिफ्ट फॉर जियोपॉलिटिक, 1924 में इन्होंने अपनी जियोपॉलिटिक विचारधारा को उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। समझ में आ गया आपको? अब इनकी बुक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला, मीन कैम्फ। अब आपको कहीं कहीं या किताब लेने जाओगे ना, तो बुक मार्केट में आपको मीन कैम्फ मिलेगी, रिटन बाय हिटलर, ठीक है, लेकिन यहां पर हॉसोफर के नाम के आगे मीन कैम्फ लिखा हुआ है। हो सकता है भाई लिखवाई हो हिटलर ने, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो भाई ताना शाह था, उसने क्या, उसको तो बस बोलना था कि गोली मार देंगे, बनाओ वरना, ठीक है। तो मीन कैम्फ बुक लिखी थी किसने, कार्ल हॉसोफर ने। दूसरी बुक, जियो पॉलिटिक ऑफ बाउंड्रीज ऑफ पैसिफिक ओशियन, दूसरी बुक। एंड तीसरी बुक जिसके बारे में अभी हमने बताया कि जिस बुक में इन्होंने अपने जियो पॉलिटिक के थॉट एक्सप्लेन किए हैं, उस बुक का क्या नाम है, जेड शिफ्ट फॉर जियो पॉलिटिक। ये तीन किताबें इन्होंने लिखी थी, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दिस इज ऑल अबाउट कार्ल हॉसोफर।